नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने साल के अंतिम दिन यानी 2020 के अंतिम दिन अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। जी हाँ, जिनमें सबसे अमीर मंत्री जो है वो सनफ मल्ला मुकेश सहनी है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि उनके और उनके पत्नी के पास कितनी संपत्तियां हैं। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी करोड़पति हैं। उनके बैंक खाते में 23 लाख से ज्यादा पैसे जमा हैं। वहीं ब्रांड और अन्य शेयर में कम से कम 78 लाख से ज्यादा पैसा है। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं में 14 लाख से अधिक का निवेश है। हाथ में 45,000 जबकि पत्नी के पास 25,000 रुपए है। वहीं मुंबई में इनके पास 3 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 7 करोड़ है। मुंबई में इनके पास 9 करोड़ का एक घर भी है। पत्नी के पास भी मुंबई में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। इनकी पत्नी पर 1.25 करोड़ से अधिक का लोन है। पत्नी के पास 450 ग्राम सोना जबकि मुकेश सहनी के पास 112 ग्राम का गोल्ड है। 2018-19 के आयकर रिटर्न के मुताबिक मुकेश सहनी की कमाई 11,17,050 रुपए, वहीं पत्नी की कमाई 10,42,645 है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने पैसे के दम पर बिहार की राजनीति में एंट्री मारी थी। मुकेश सहनी की किस्मत का साथ कहे या फिर सही फैसला, उन्होंने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का भी आरोप लगाते हुए कम सीटें देने की बात कही थी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी ने हंगामा भी किया था। बाद में वह एनडीए के साथ आ गए, जिसके बाद बीजेपी ने अपने खाते से उन्हें 11 सीटें दी और 4 सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया, और जिसके बाद मुकेश सहनी को मंत्री के पद से भी नवाजा गया। तो मुकेश सहनी है सबसे अमीर मंत्री नीतीश कैबिनेट में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।